सावित्री अनुसुईया रुक्मिणी सीता उर्मिला जनाबाई पढ़े लिखे वक्त बैठे हैं जिनके चरित्र चित्र देखे होंगे मकान का जिनका मन कन्हैया के चरणों में रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा किया कि दादी तो दुनिया में एक ही इंसान के साथ में होगी अन्यथा किसी गैर के साथ ऐसे बरसों का पर मेरे दिन जो जन्म और मरी जाई ऐसे बरसों आज जन्म लेके आए और 50 साल के बाद में मर जाए। मैं तो एक ही इंसान के साथ शादी करूंगा, वो दुनिया में कभी मरता नहीं है, जन्मा है, जर्रे जर्रे में कणकण में बात करने वाला है, उसके साथ में मेरी शादी होगी, घट घट में विराज तो बरूंगी बेई सामर मेरे दिल जो हजर अमर जाय पर तो बरूंगी सामर मेरे भाई जो हजर अमर आज हमारे नरेश भैया जी उनके बेटा सत्यनाथ हार के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद जिन बहनों ने कलश भरे हैं वो बहने एक तरफ खड़ी हो जाएं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद इनका तो बहुत जगह की मैंने देखी, लेकिन वास्तव में महुआ साला का नाम सुनाता वैसे ही लोग माता बहन बड़े पवित्र भाव बड़े कथा सुनने वाले हैं। धन्यवाद ऐसे वक्तों के लिए और हमारे जो नरेश जी के बहनोई और बहन है वो भी आ जाए और सम्मान करेंगे, आराम से बैठ जाइए। ठीक चुने चुने खाइए मेरा माता जी मिलन की we'll be right back.
मेरी प्रार्थना कर रही है, तब तक मेरी माता बहनों जो रुक्मिणी को बड़ो भैया जिसका नाम था रुकम, उसने ये संकल्प कर लिया है। बेटा बैठते जाइए, ठीक आ रहा हूँ। कि अगर मेरी बहन रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ में नहीं हुई, अभी इससे पहले एक बात बोल के गया था कि किसी ने देखा है या किसी ने पढ़ा है तो वो रुक्म का साला शिशुपाल था। इसकी संशय और दूर कर दूं आपके लिए। वैसे भागवत का कोई प्रमाण नहीं है कि वो रुक्म का साला शिशुपाल था होगा तो गांव के किसी नाते से होगा, जैसे गांव में काऊ गए के जीजा हो तो सब कहीं जीजा आएगा जीजा है, इसीलिए वो गांव के नाते से हो सकता है, लेकिन खास साला नहीं था बिल्कुल। क्यों? उस रुक्म ने शिशुपाल के लिए ब्राह्मण देवता को बुला लगन पत्र का भिजवा दी है, मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ में। रुक्मिणी की ये इच्छा थी कि मेरी शादी होगी तो कृष्ण के ही साथ होगी, अन्यथा किसी गैर के साथ में शादी। आराम से बैठ जाइए जी। थी अहंकारी था, दुराचारी था, गरीबों को सताने वाला था, जिसके अंदर है खुदी उससे खुदा रहता जुदा, खुद से खुदी निकल जाए तो खुद ही बन जाए। अहंकार मत करना, एक मिनट का पता नहीं है, पानी को बलबूला बिलाए छन मा जाएगा, जोर जोर माया सब को नहीं रह जाएगा, तेरो ये शरीर का उतन राख में जल जाएगा, तातो पकड़े मजोए होते ने फिर था जन्म जोई होए। भगवान का भोजन अहंकार है, जिन लोगों ने अहंकार किया उनका पतन हुआ।